ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। सर, आपका जो सफ़र है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, कुछ ऐसा ही सफ़र अरुण जेटली साहब का भी था। आज आप याद कर रहे थे और जो बातें मैं सुन रहा था कि एक जो पूरा उन्होंने सफ़र तय किया, किस तरह से आप याद करते हैं उन्हें? देखिए, अरुण जेटली हमारे लिए एक बहुत आइडियल थे, छात्र नेता थे, दिल्ली के नेता थे, हरियाणा और इस सारे क्षेत्र को प्रभावित करते थे और उनके किस्से कहानियाँ हमको आगे बढ़ाते थे। मुझे याद है जब देश में जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसमें देश भर में विद्यार्थी परिषद ने जयप्रकाश नारायण के कार्यक्रम कराए थे और उस समय की जो जनता पार्टी बनी उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा काम किया और 51 लोगों की उनकी कमेटी बनी जिसमें अरुण जेटली जी को भी रखा गया। लेकिन अरुण जेटली जी ये कहकर वहाँ इस्तीफा देकर आ गए कि हम दलीय राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। हम इस आंदोलन का इसलिए हिस्सा बने थे कि ये करप्शन के खिलाफ था, इसलिए हिस्सा बने थे कि देश में जो कुशासन चल रहा था उसके खिलाफ था। हम इसलिए हिस्सा बने थे कि जो लोकतंत्र को दबाया गया था, हम इसलिए इसका हिस्सा बने थे। इसलिए मैं विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करता हूँ और इसलिए मैं दलीय राजनीति का हिस्सा नहीं। जब बहुत समय बाद उनका तय हुआ कि वो पॉलिटिकल सेक्टर में काम करेंगे तब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने, लेकिन इस नाते से हमारे लिए वो एक आदर्श थे कि भाई जिस ध्येय को लेकर एबीवीपी चलता था, जो ही अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी आता ही उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार किया। ये एक मैं कहूँगा कि बड़ी बात थी जो उस समय पूरे विद्यार्थियों के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरित करती थी। समय समय पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं के मिलन या अधिवेशन होते थे, उनमें उनकी उपस्थिति होना, उनका एक बड़ा वकील होना, वो निश्चित रूप से जो है प्रभावित एक संकट मोचक भी थे। एक वाक्य था आपका GST काउंसिल का और एक फसल बीमा को लेकर भी था, जब आपसे उनकी मुलाकात होती थी और किसी बड़े विषय को लेकर, किसी पॉलिसी मेकिंग को लेकर, वो वाक्य क्या था? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अरुण जेटली जी वो समाधान थे, समस्या का हिस्सा नहीं थे। वो सवाल नहीं थे, वो जवाब थे। वो कठिनता की तरफ चीज़ों को नहीं ले जाते थे, नहीं तो कई बार ऐसे लेवल पर हम देखते हैं ना, वित्त मंत्री है और है, बड़ी बड़ी बातें बताता है। अरुण जी सरलता की तरफ ले जाते थे हर चीज़ को और समाधानों को वो कैसे खोजते थे, ये बहुत सारे ऐसे मौके हमारे सामने। जब वो मैं किसान मोर्चा की अध्यक्षता देख रहा था और उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, तो लोकसभा के नाते हम सुषमा जी को ब्रीफ करते थे भी किसान मोर्चा क्या चाहता है, राज्यसभा के नाते उनको ब्रीफ करते थे। जब लैंड एक्विजिशन का बिल पास हुआ तो मैंने उनका आभार जताया कि जितने मुद्दे हमने उठाए थे आप सब लोगों ने राज्यसभा में, सुषमा जी ने लोकसभा में उठाए, हमको आनंद है वैसा बिल बनाया। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुमने ऐसा बिल बनवा दिया कि अब एक इंच भी किसानों की भूमि जो है वो एक्वायर नहीं हो पाएगी। हमने वो सब मुद्दे उठाए जो किसान मोर्चा ने हमको लिख कर दिए थे और उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूँ। उनके जाने के बाद में मैं कह रहा हूँ कि अब लैंड एक्विजिशन आसान काम नहीं रहा और सरकारें इस रास्ते पर जा रही हैं कि हम किसानों की सहमति से परचेज करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा हमारे लिए एक सवाल बन गया था। मैं आपके सामने, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि पहली फसल पर हमने 1095 करोड़ मुआवजा दिया, दूसरी फसल पर 965 दिया हरियाणा सरकार ने। हर बार हम इतना पैसा नहीं दे सकते थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड की अपनी एक लिमिटेशन थी। तो हमको लगा कि कैसे हम इस बात को मेंटेन करते रहें, तो हमको लगा कि कोई ना कोई बीमा का हम योजना लेकर आए जिसमें केंद्र सरकार हमारी मदद करे। केंद्र का एक पहले बीमा चलता था लेकिन 10% किसानों को भी कवर नहीं करता था। तो मैंने कहा कोई सरल सीधी बीमा योजना हो जिसमें अधिक से अधिक लोग कवर हों और कम से कम पैसा किसान को देना पड़े और इसकी एक जेन्युइन फंडिंग से हमारा काम चले। तो मैंने एक बीमे की योजना, मेरा एक विद्यार्थी आजकल हमारा कंसल्टेंट भी है, उसके साथ मिलकर बनाई और मैंने वो PMO में पहुँचाई। हमारा रिक्वेस्ट इतना ही था कि आप हमको इसका पैसा दे देंगे जैसे वहाँ देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दो बार उन्होंने हमको बुलाकर सुना, बाद में अरुण जी ने मुझे बुलाया और अरुण जी ने मुझे बुलाकर कहा कि ओम प्रकाश अब इस पर आप मत बोलिए, इसको केंद्र सरकार इस बीमा की योजना को लागू करेगी। और मुझे आनंद है प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के रूप में वो देश भर में आए और आज किसान बहुत बड़ी मात्रा में उससे संरक्षित हुआ। हरियाणा के किसान को भी 1846 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन का मिल चुका है, 523 करोड़ रुपये की किस्त देने के बावजूद। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो, ये पार्टी का एजेंडा था। बार बार ऐसे इंटरनल ग्रुप में माने राजनाथ सिंह जी, माने वेंकैया जी जब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे तब, और अरुण जेटली जी, ऐसे सब लोग बैठते थे और मैं उस नाते से मुझे मानते थे कि भी किसान के क्षेत्र में मैं बात कह सकता हूँ या मैं विषयों को समझता हूँ। तो कृषि मंत्री जी के साथ, राधा मोहन सिंह जी के साथ हमको भी बुलाते थे और भी कुछ और दूसरे विशेषज्ञ भी आते थे। कैसे नमन करेंगे, तो कैसे याद करेंगे?
तो मैं ये मानूंगा कि जो 50% प्रॉफिट के साथ CACP में जो ये दिया गया, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सरकार का, और वो वित्त मंत्री होने के नाते इन बातों को कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करते थे, कहीं रुकावट नहीं बनते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि उनका केवल कोई उनकी पर्सनैलिटी आप देखोगे तो आपको शहरी दिखाई देगी, इंटेलेक्ट दिखाई देगी, लेकिन जब मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ जो गांव के लिए थे, जो किसान के लिए थे, जो एक गरीब तबके के लिए थे, तो हर क्षेत्र को समझना, उसके लिए काम करना, ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। और जिस तरह से वो समाधान का हिस्सा थे, मैं चाहूँगा कि हर कार्यकर्ता समस्या की बजाय समाधान का हिस्सा हो, सवाल की बजाय जवाब का हिस्सा हो, तो निश्चित रूप से अरुण जेटली जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि वो बहुत कुशल रणनीतिकार थे इलेक्शन मैनेजमेंट के। वो हर बार गुजरात के चुनाव में मेरी भी ड्यूटी होती थी, मुझे मिलते थे, किस समय किस मुद्दे को कैसे उठाना। एक बार हिमाचल का मैं सह प्रभारी था, वो गुजरात देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हमने ये सब तैयार किया है। सुशील पंडित एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे, पूरा डिटेल प्लानिंग मैंने हिमाचल का उनको बताया, जो जो करेक्शंस थे उन्होंने बताए बहुत सटीकता के साथ। और उनकी रणनीति इतनी गजब की होती थी कि मुझे उसकी व्याख्या भी मैं कर सकता हूँ कि गुजरात में एक बार हम चुनाव देख रहे थे 2012 का, तो हम सब मिलकर सब जिलों के जो जो इंचार्ज थे वो बैठे, तो कहा कि हम शायद थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का अब अपने पास एक ही तरीका है कि एक सप्ताह चुनाव का बचा है, सारे चुनाव को कैंडिडेटों के बजाय मोदी जी पर फोकस करो, फोटो भी उन्हीं के बढ़े, वोट भी उन्हीं के नाम से मांगो, विषय सब उनका चलाओ, तो हम एकदम बहुत आगे निकल जाएंगे। और वही हुआ। हम जब नाती के नाते सोचते थे, जब कैंडिडेटों पर फोकस चल करके चल रहे थे, तो हम कहीं पीछे लग रहे थे, लेकिन जब नेतृत्व पर फोकस किया, आदरणीय मोदी जी पर फोकस किया, एकदम हम आगे बढ़ गए। तो बहुत कुशल रणनीतिकार थे वो, उनके इन गुणों के लिए वो सदैव कार्यकर्ताओं के हृदय में जगह बना कर रखे। तो साफ तौर पर जिस तरह की छवि थी, ओम प्रकाश धनकर आप बिल्कुल याद कर रहे हैं कि तमाम जो कार्य थे उनके, चाहे रणनीति के तौर पर चुनाव इलेक्शन मैनेजमेंट करना हो या फिर GST काउंसिल से लेकर फसल बीमा को लेकर, ये कुछ ऐसी बातें थी जो उनके साथ कार्य करने वाले कुछ बड़े नेता ही बता सकते हैं। और ओम प्रकाश धनकर ने अपने अनुभव अरुण जेटली साहब के साथ कुछ इस तरह से साझा किए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।